किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है, ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले और से मोहब्बत है, बचपना कम से नहीं जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है, एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है, उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, उसके हर दौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत, सकाफत की कदीम तस्वीर, तालीम का गढ़, तारीख का मुंह बोलता उनवान, बागों की दुनिया और बजा तौर पर पाकिस्तान का दिल है। हजारों बरस की तारीख को अपने अंदर समो लेने वाला ये शहर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है। इसकी हर सिमत, इसका हर रंग अपने अंदर आप एक दुनिया बसाए हुए हैं। इसी लाहौर में कई आलमी शोहरत याफ्ता तालीमी इदारे, मकबरे शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान की सकाफत, सियासत, मईशत, फनून लतीफ़ा, तालीम, खेल, घर, कोई भी मौजू लाहौर के जिक्र के बगैर अधूरा तसव्वुर किया जाता है। इसी लाहौर ने कई खानदानों की हुकूमत के नशेबो फराज को अपनी खुली आंखों से देखा और फिर इनमें महफूज कर लिया। जैन, हिंदू, सिख, मंगोल, मुगल और दीगर कई हुकूमतों के नक्श इसी लाहौर में आज भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब में से ताकतवर तरीन और अपनी मिसाल आप मुगलिया दौरे हुकूमत रहा है, और यही मेरे आज के सफर की मंजिल भी है, मुगलों का लाहौर कैसा था। तो आइए चलते हैं मुगलों के लाहौर को देखने, और इस सफर में हमारा साथ देंगे मेरे उस्ताद मोहतरम, मीडिया की एक जानी पहचानी शख्सियत, एक खानदानी सहाफी जिनको सहाफत विरासत में मिली, और एक ऐसा तारीख दान शख्स के तारीख के बंद दरवाजों में से हकाइक की खोज लगाना जिसका मशगला हो, जनाब साहिबजादा जाबिर सईद बदर साहब, वो आज के इस सफर में हमारे साथ होंगे। तो चलिए देखते हैं मुगलों का लाहौर। लाहौर फोर्ट मुगल सल्तनत की अजीम निशानी, अब इसमें अंदर हो रहे हैं। ये ऐसा मुकाम है जहाँ पूरा हिंदुस्तान एक वक्त में और अफगानिस्तान उसे कंट्रोल किया जाता था। जरा से आगे बढ़ते हैं तो हमें दीवाने ख़ास और दीवाने आम नज़र आते हैं, और दीवाने आम मेरे सामने हैं, और यहाँ से इस पूरे इलाके के तकदीर के फैसले किए जाते थे। अकबर आज़म इन्हीं रस्तों पे गुजरते थे, और ये बहुत ही तारीखी और अहम जगह है। मुगलिया दौरे हुकूमत की बुनियाद तैमूरिया खानदान के एक सपूत बाबर ने 1526 में रखी। ये सल्तनत अपने फन मौसीकी, ज़ौके अदब, फनून लतीफ़ा और ख़ास तौर पर अपने कमाल फन तामीर की बदौलत दुनिया भर में अपना कोई सानी नहीं रखती। बाबर हुमायूं से होते हुए ये हुकूमत अकबर के यहाँ पहुँचती है, और अकबर के अजीम दौर में अफगानिस्तान से बंगाल और फिर हिमालिया से दरियाए गोदावरी तक ये फैल जाती है। शहरों की शक्ल, खैमों में रहने वालों की जिंदगियां, जमीन का रंग, दीवारों की खूबसूरती, राया के हाल अहवाल, मसाजिद की ताज़ीम व तकरीम, गर्ज हर चीज अपने उरूज पर फायज हो जाती है। मुगलिया सल्तनत के
मकसद के लिए उन्होंने बहुत से खास दीवान कायम कर रखे थे। दीवान आम को इस हवाले से बड़ी अहमियत हासिल थी। ये वही मकाम था कि जहां राया के मसाइल को सुना जाता, वज़रा और गवर्नर मौके पर मौजूद होते और उनके मसाइल के हल के लिए फौरी हुक्मनामे भी जारी किए जाते। आइए इस हवाले से ज़ाबित सईद बदर साहब की राय जानते हैं। ये जो जगह मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये दीवान खास का वो मुकाम है जहाँ बादशाह आके अपना जलवा या अपना झुमका में आके अपने आप को दिखाता था, और यहाँ उसके पूरी जो मुग़ल सल्तनत के जो गवर्नर होते थे या सूबेदार होते थे या अमायदीन जिसे हम कहते हैं सल्तनत, वो यहाँ खड़े होते थे और अदब से ये मुकाम था। देखिए मुग़ल सल्तनत का एक तोहफा था। अब देखिए बादशाह कहाँ ऊपर बैठा हुआ और अदब से इस तरह घर गुजार के लोग तकलीफ से खड़े हुए हैं। ये एक खौफ और दहशत थी बादशाह, एक सिंबल ऑफ यानी अकेले एक पावर था बादशाह, और उसको जिले इलाही कहा जाता था, जिले इलाही खुदा का साया। मुग़ल जो एम्पायर है उसमें उनका जो इतना अर्सा कायम रहने की वजह यह भी है, उनका खौफ था लोगों के साथ, जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में उन्होंने इसको किया, लोगों के साथ मिल गए। जैसे अकबर आजम की जितनी पॉलिसीज़ हैं वो आप देखते हैं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा का सारा जो कह लें जो हमदर्दियाँ या मोहब्बत है उनकी, तो मुसलमानों के साथ में हिंदुओं से दूसरी थी, राजपूतों के साथ उन्होंने पॉलिसी अख्तियार की, राजपूत शहजादियों के साथ शादी की अकबर आजम ने, और यहाँ इसी महल में इसी मुकाम पर लाहौर किले में हिंदू महारानियाँ भी अकबर की रहती थी, और जो जहांगीर उनके बेटे की वालदा थी वो हिंदू महारानी थी, और जो उनके पोते की वालदा थी उसका जो पूरा का पूरा सिलसिला है पीछे देखते हैं कि राजपूत शहजादियाँ जो हैं वो मुग़ल सल्तनत में उस पर आईं और जो बड़े बड़े अहदों पे हिंदू जो है वो अहदे हासिल किए। तो हम ये कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि मुसलमान जो थे यहाँ उनमें रवादारी उन्होंने नहीं कायम की, उन्होंने जबर से पावर से हुकूमत कायम की। इन्हीं चीज़ें में यह बताती हैं कि अकबर आज़म को इसलिए अकबर आज़म कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी दी जिससे आज भी मुग़लों को ख़त्म होते होते 150 साल लगते हैं, जिसे हमने पढ़ा है 1700 साल से लेकर 1857 तक हमें 150 साल तक इनकी कमजोर ख़त्म होते हुए लगे। तो यही वजह है, यही रवादारी है जो उन्होंने यहाँ कायम की, और ये वो जगह है जहाँ अकबर आज़म बैठ के जहांगीर बैठ के फैसले करते थे, और इस मुकाम को इस ज़माने में पूरी सल्तनत मुग़लिया का मरकजी हैसियत हेडक्वार्टर रही, यानी आप कह रहे हैं उसका जो मेन जिसे कह जाते हैं आप जहाँ से आप कंट्रोल करते हैं कमांड एंड कंट्रोल। मुग़लिया सल्तनत अपने फन तामीर की बदौलत एक अलग पहचान रखती है। जिस तरह मुग़लों ने हुकूमत के अंदाज को यकसर बदल दिया, इसी तरह तामीरात में भी नुमाया बल्कि हैरान कुन तब्दीली देखने को मिलती है। बाबर हुमायूं अकबर ने अपने अदवार में बहुत सी इमारतें तामीर तो करवाईं, लेकिन तामीरात को नई रूह शाहजहां के दौर में बख्शी गई, जिसकी वाज़े मिसाल जामे मस्जिद, शाही कला, शालीमार गार्डन और भारत में मौजूद ताज महल हैं, जो कि एक सातवां अजूबा भी है। इन तामीरात की खास बात यह है कि अवाम की जान के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए इमारतें इस तरह तामीर की गई हैं कि किसी भी नागानी आफत की सूरत में जिंदगियां महफूज रहेंगी। इन तामीरात के हवाले से ज़ाबिर सईद क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मुग़लिया इमारतों में सबसे मेन चीज ये होती है कि इन्होंने ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा है, सब्जा बहुत है इनकी इमारतों में, फवारे बहुत हैं, फाउंटेन्स बहुत हैं। अच्छा, यहाँ वैसे आप बिल्डिंग्स हैं उसकी सराउंडिंग्स में दरमियान में एक फाउंटेन होगा, उसके इर्द गिर्द ये लोग बैठते होंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर है। ताजमहल भी ऐसा ही है, अगर उनके मज़ार भी देखें वो भी ऐसे ही। और बाज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जन्नत का कॉन्सेप्ट है, जन्नत में कहा जाता है ना कि जन्नत में फवारे होंगे, नहरें होंगी। अब तमाम मुग़ल शाही बिल्डिंग्स में देखें फवारे, नहरें ये आम नजर आती हैं, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नजर आती है। ये वहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट जन्नत से लिया। इसी शाहजहाँ कहता था ना कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो लाल किले के बारे में कहता था यही है, हम ही हो। जगह जगह पानी, जगह जगह शॉवर्स, जगह जगह फाउंटेन्स, छोटी छोटी नहरें,
ताकि ठंडक का एहसास हो। अच्छे से क्या होता था कि वो सारी ठंडक जो है इंडिविजुअल चैम्बर्स में भी जाती थी, और आपने इन बिल्डिंग में देखा होगा शदीद गर्मी में भी आओगे ना यहाँ तो ठंडक होगी, ठंडी हवा आएगी। हालांकि अभी ये सब कुछ बंद हो चुका है, ये चलता हो सोचे उधर भी फाउंटेन चल रहा है, इधर भी फुवारे चल रहे हैं, पानी बह रहा है, जब हवा आएगी ठंडी आएगी। जैसे भी देखोगे हम घरों में अक्सर बाहर शाम को लॉन वगैरह में करते हैं अपना पानी स्प्रे करते हैं, क्यों करते हैं? ठंडक हो। वो इन्होंने सिस्टम यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये इनका पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। वेंटिलेशन तो हवा आए जा रही है, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उन्होंने कि हवा हर सूरत में आती जाती है, हवा नहीं बंद होती है गर्मी हो या सर्दी हो। और जैसे मैंने बताया कि कितना खूबसूरत ये कूलिंग सिस्टम है इनका, और सोचें कि उस ज़माने में ना भी मोटर्स थी, और यहाँ नीचे दरिया है, उस दरिया के पानी को यहाँ तक लाना, और आप कहते थे कि ये अब कहते हैं जाहिल लोग थे, ये कितनी बड़ी इंजीनियरिंग साइंस है उस ज़माने की। बहसो तकरार की नुमाइश नहीं है दुनिया को अब गवारा पुराने अफकार की नुमाइश। मुगलों की आमद ने जहां जिंदगी के हर शोबे को जला बख्शी, वहीं तलीमी मैदान में भी खासी तरक्की देखने को मिलती है। बाबर, हुमायूं जो के पहले मुगल बादशाह थे, जाती तौर पर अदबी जौक रखने वाले शख्स थे। उन्होंने कई स्कूल और कॉलेज तामीर करवाए जिनमें दिल्ली कॉलेज काबिले जिक्र है। अकबर बादशाह अगरचे खुद इतना तालीम याफ्ता न था, लेकिन उस हवाले से उसकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उसके दौर में फलसफा, तारीख, अदब, ज़राअत का इल्म और इल्मे नजूम में हैरान कुन तरक्की देखने को मिलती है। अकबर बादशाह के हुक्म के मुताबिक ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुओं को भी मकतब में तालीम दी जाने लगी, और जिसकी बदौलत बहुत से हिंदू तारीख दानों और असातिज़ा ने तालीम के मैदान में अपनी खिदमात सरंजाम दी। खुद मुगल बादशाह फारसी के अलावा तुर्की, अरबी, संस्कृत और दीगर जबानें ना सिर्फ सीखते बल्कि इनमें कमाल महारत भी रखते थे। और यही वो वजह थी कि जिसके बलबोते 1526 में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई, और फिर देखते ही देखते ये फौज मुनज़्ज़म तर और ये सल्तनत मजबूत तरीन होती गई। मुगलों के यहाँ रिवायती फौज का रिवाज नहीं था। बादशाह चार तरह की फौज पर इन्हिसार करता था। एक तबका उन फौजियों का था जो कि मनसबदार के जेर साया काम करते थे, और दूसरी किस्म दाखली फौजियों की थी, तीसरी किस्म आहदी फौजियों की थी, और सबसे आखिरी किस्म उन फौजी कमांडरों की थी जो कि बादशाह के दरबार में मौजूद रहते और बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक अहकामात पर अमल करवाते। मुगल सल्तनत का निज़ाम इंसाफ और अदालती निज़ाम बहुत जुदागाना और सादा था। साइल के सवाल और मजलूम की फरियाद को अहमियत हासिल थी, और इसके हल के लिए फौरी इंतजाम भी किए जाते थे। मुगलिया सल्तनत बेतहाशा वसाइल से माला माल रही है। मुगलिया खानदान ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने हुकूमत की सरबराही में जंगलात को ज़रई रकबे में तब्दील किया और ज़रात को अपनी मईशत का अहम जज़ बनाया, जो कि आज भी बड़े सगीर के ममालक के लिए कलीदी किरदार अदा करती है। मुगलिया हुकूमत ने टैक्सों का ऐसा मुनसिफाना निज़ाम मुतारफ़ करवाया कि जिसमें अवाम पर बोझ भी ना बढ़े और हुकूमत के माली वसाइल में इजाफा भी हो सके। आज के जदीद ब्यूरोक्रेट्स और माहिर मईशियात मुगलिया निज़ाम महसूल से इस्तफादा कर रहे हैं। मुगलिया दौर के वसाइल का अंदाजा उस वक्त की तामीरात जैसा कि नौलखा और शीश महल से भी लगाया जा सकता है। नौलखा के बारे में मशहूर है कि इसकी तामीर पर करीब 9 लाख रुपए खर्च किए गए, और इसकी तामीर में याकूत और मरजान जैसे कीमती पत्थरों का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया।
बीबीसी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1737 में नादिर शाह ने जब दिल्ली से 143 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब लूट मचाई तो वो लाहौर से कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ईरान ले गया, जो बाद हजार ईरान से बरतानिया चला गया और आज वो मलका एलिजबेथ के ताज में पेवस्त है। शीश महल की तारीख के मुतालिक हम जानते हैं जनाब जाबिर सईद बदर से। शीश महल को शाहजहां के दौर में तामीर करवाया गया था। शाहजहां जो है उसे मुगलिया सल्तनत का इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता है। उन्हीं ने ताज महल को तामीर करवाया। दिल्ली का जो कला है लाल रेड फोर्ट से कहते हैं, जो मुग़ल सल्तनत की एक अजीमुशान जो है निशानी है, वो भी उन्होंने तामीर करवाया। शालीमार गार्डन है लाहौर का, वो तामीर करवाया। तो ये जो शीश महल है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह थी। ये साथ ये उस एरिए में है कले लाहौर के, जो इंतहाई अहम लोगों के लिए, रॉयल फैमिली सिर्फ आ सकती थी या बादशाह की इजाज़त से प्राइम मिनिस्टर आ सकता था, या कोई इंतहाई अहम वो बंदा जिसको शहनशाह खुद इजाज़त देते कि वो इस हिस्से में आए तो वो आ सकते थे। इस हिस्से को शाह बुर्ज भी कहते थे। शीश महल के जो साथ है ये शाह बुर्ज एक हमें किला दिल्ली जो है वहाँ भी मिलता है कि बादशाह वहाँ शाहजहां जो हैं वो जाके इबादत भी करते थे और बहुत ख़ास जो मजालस है उनकी वो वहाँ वो करते थे, और ख़ास तौर पर जो खुफिया नवीसों के अहकाम जो उनको अहकाम देने होते थे, या जो जो उनका सिस्टम था जो कम्युनिकेशन का, मुख्तलिफ जो गवर्नर्स को जो अहकाम दिए जाते थे उसका जो काम भी शाह बुर्ज में ही होता था। तमाम अहम जो मशवरे हैं, जो सल्तनत के अहकाम हैं, वो भी शाह बुर्ज से ही जारी किए जाते थे। तो ये जो शाह बुर्ज है लाहौर के किले का, इसको जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिनकी आखिरी आरामगाह शाहदरा में लाहौर के साथ ही वाक़ है, वहाँ मौजूद है, और उन्होंने तामीर करवाया था। शीश महल जो है ये 1631 में इसकी तामीर आगाज़ हुआ और 1632 तक ये इसकी तामीर जारी रही। एक बहुत खूबसूरत जगह है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने तो शीश महल के उस दौर में, जब मज़े की बात यह है कि उन्होंने बताया कि शीश महल में बादशाह ने देखा कि वो अनारकली जो हैं वो जो टाइटल करेक्टर है, वो शहजादा सलीम जो हैं जो बाद में जहांगीर बने उनके साथ वो उनकी गुफ्तगू जारी है आँखों से, तो उन्होंने नाराज़ होकर उनको ज़मीन में चुनवा दिया। तो जबकि कितनी दिलचस्प बात है कि अकबर आज़म के दौर में तो शीश महल जो है वो बने ही नहीं था, कलाए लाहौर वाला जो है, जो इम्तियाज़ अली ताज हालांकि जिक्र कर रहे हैं ये कलाए लाहौर का जो है वाक़ है। तो ये इमेजिनेशन देखें, इतना खूबसूरत ये जगह है कि इतनी इमेजिनेशन यहाँ, इतना तख़य्युल आती है। अब जहाँ हमें पहुँच जाते हैं कैसा तख़य्युल का एक आपका मुख्तलिफ उसके जो आस्पेक्ट सामने आते हैं कि आप एक जब इतना बड़ा जो है नावल तख्लीक हुआ, ड्रामा तख्लीक हुआ, और उसके बाद उस पर इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनी जिसको बाद में जिसमें शहजादा सलीम का किरदार दिलीप कुमार ने, और फिर पृथ्वीराज कपूर ने अकबर आज़म का किरदार, और मधुबाला ने कमाल एक्टिंग की है, तो एक जिंदा एक मिसाल बन गई है। लेकिन हालांकि इसका अभी तक कोई तारीखी इसके शवाहद जो है ऐसा नहीं मिलते। तो ये शीश महल है, बड़ी अहम जगह और बहुत खूबसूरत जगह है। शाहजहानी दौर की इमारत में बड़ी अहम है, और कला लाहौर की उन इमारत में से है जो मुग़ल शाही ख़ानदान ने तामीर करवाए, और ये इंग्रेज बाद में सिखों के दौर में भी रंजीत सिंह की भी पसंदीदा जगह में से एक थी, और रंजीत सिंह यहीं रहना पसंद करते थे। हुकूमत के दो अदवार हैं जी, एक है ग्रेटर मुगल और एक है ग्रेटर मुगल। ग्रेटर मुगल को हम ये वो दौर कहते हैं जब पूरे हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत छा गई। ये वो दौर था जब ग्रेटर मुगल अपने रोज पर थे, बाहर का दौर था, इंसानी फलाही रियासत का तस्वर था और सेकुलर गवर्नमेंट का तस्वर अकबर के जमाने में। दूसरा जो दौर है वो लेटर मुगल, जब मुगलिया सल्तनत 1707 के बाद औरंगजेब के बाद जवाल पजीर हुई है, और जवाल पजीर होते थे 1857 तक
मुकम्मल खात्मा हो गया अंग्रेजों के जंग आजादी के बाद अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। तो मुगले सल्तनत जाहिर है कि मुसलमानों की एक रियासत थी, हिंदुस्तान पे पूरे उनकी हुकूमत थी और मुसलमान बड़े खुशहाल थे और मुसलमानों ने अपना हेरिटेज वहां डेवलप किया, लेगेसी की वहां पे कवानीन के इस्लाम का बोलबाला हुआ, मगर हिंदुओं को भी उन्होंने बराबरी के हकूक दिए, बाद मौकों पर उनके हकूक तलब भी हुए। तो ये मुगलिया सल्तनत चाहरा के तहत 1857 में अंग्रेजों के आने के बाद उनका खात्मा हो गया। तो ये है मुगलिया सल्तनत का मुख्तसर सा जायजा। मगर उनके दौर में बहुत सारे इंसानी हकूक का जो ख्याल रखा गया, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया गया, बल्कि तबलीग और तरवीज के जरिए हिंदू मुसलमान हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान की तारीख में एक सेनारी बाप का एक हिस्सा है और अंग्रेजों के दौर में हम देखते हैं कि ईसाइयों ने जबरदस्ती मुसलमानों को और हिंदुओं को सिखों को ईसाई बनाया, मगर मुगलिया दौर में मुझे ये दिखाई नहीं देता सिवाय औरंगजेब के कुछ हिस्सों के अलावा कहीं जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया हो। सिर्फ उलमाए दीन ने और जो सुफ़ेद कराम थे उनके किरदार की वजह से हिंदू मुसलमान। मुगल तारीख के बारे में जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज्यादा हमें मिलता है, जो जिसको हमारे जहनों में सत्तक है कि हम अभी तक जो अंग्रेजों के जो कॉलोनियल दौर के कह लें जो दौर के प्रोपेगेंडा था मुगल बादशाहों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मुसलमान कल्चर तहजीब के बारे में, वो हमारे जहन में अभी तक मौजूद है। अब हमारे जो रॉयल्स के जो लिबास थे वो हम अपने दरबानों को आप देखते हैं कि पहनाते हैं, अभी तक पहनाते हैं आज़ादी के 70-71 साल बाद भी। तो आप देखते हैं कि जितनी भी तारीखी फिल्में भारत ने बनाई हैं उनसे यही साबित होता है, या हम किताबें पढ़ते हैं उनमें यही रेफरेंस दिए जाते हैं कि मुसलमान जो बादशाह थे, ख़ासतौर पर जो मुग़ल थे, वो याशी में डूबे रहते थे। और अकबर के बारे में कहा जाता है, एक दो मैंने मूवीज़ इनकी देखी तो उसमें वह ये तासुर दिया गया कि वो राजपूतों की मदद से मुग़ल आज़म बना और दर हकीकत वो है वो हिंदू ही हो चुका था। जहांगीर के बारे में भी एक ऐसा तासुर है जैसे गोया वो सिर्फ शराब पीता रहता था और याशी में मशगूल था और एक नीज अनारकली की जुल्फ़ों का असीर था। और शाहजहां के बारे में भी इस किस्म की बातें हैं, औरंगज़ेब के बारे में ऐसी बातें हैं कि उसने मंदिर गिराए, ये सब प्रोपेगेंडा है। जब गौर करें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और इन ममालिक पे फैली हुई जो हुकूमत है वो अयाश हुक्मरान जो यहाँ थे ही भी मिनोरिटी में, अकलियत में थे मुसलमान यहाँ, और मुग़ल तो बाहर से आए थे, वो कैसे काबू रख सकते थे? अगर ये इतने ही गाफिल और नाकाम थे तो जंगे आसमान से उठ के फरिश्ते करते थे। तारीख गवाह है कि जो मुग़ल शहनशाहियत है वो रूए ज़मीन की सबसे ज़्यादा खुशहाल और बावसाइल सल्तनत थी। 1707 तक वो पूरे क्रोफर के साथ दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी करती रही। हाँ, ये अलग बात है कि 1707 के बाद अपनों ही की बेवफाइयों की दास्तानें हैं। सैयद बरादरान ने नाहल शदादों को तख्त पर बिठाया, अहल शदादों को कत्ल करवा दिया। जब नादिर शाह ने हमला किया तो निज़ामुल मुल्क आसिफ जात उसको चंद करोड़ के वापस भेज चला था, लेकिन नवाब अवध सादत खान ने उसे दिल्ली जाने को कहा और फिर वही हुआ जो सारा ज़माना जानता है कि सदियों की दौलत ये लुटेरा ईरान ले गया। तख्त ताऊस करोड़ों रुपए मालियत के जहांगीर अकबर शाहजहां के जो तख्त थे और कोहिनूर हीरा और अरबों अरबों डॉलर्स आज के जो हैं वो ले साथ लेता गया।
तो ये एक सारा प्रोपेगेंडा है। तो ये जब ये सारा सिलसिला हुआ तो फिर अंग्रेज हिंदू सिख मराठे और सब क्या वो भी अपना उन्होंने अपना हिस्सा ज़्यादा लेना ही था, तो कसूर तो हमारा अपना है। तो ये प्रोपेगेंडा है मुगल बादशाहों के बारे में, मुगल तहजीब के बारे में, कल्चर के बारे में। हालांकि हमें उनके जो कल्चर और तहजीब है वो आज भी पूरे बरे सगीर में सब इतराफ़ करते हैं, नेहरू इतराफ़ करता है, सब इतराफ़ करते हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो एतराफ़ करते हैं कि वो आज भी उसके असरात हम अपने माशरे में हर जगह पे महसूस कर सकते हैं। सदा में शाख से गिरते उदास पत्ते ने मुझे ये दर्द दिया है, जवाल सबको है। इस ताबनाक सुबह की किरणें आखिर मांद पड़ने लगती हैं और रूज की इंतहा पर फायज ये दौरे हुकूमत आखिरकार औरंगजेब की वफात के बाद अपने जवाल का सफर शुरू कर देता है। इस सफर में जहां गैरों का किरदार था वहां अपने मीर जाफर और मीर सादिक भी बराबर मुलव्वस रहे हैं। इक्तदार की हवस ने बेटे के हाथों को बाप के खून से आलूदा किया तो कहीं भाई ने अपने ही सगे भाई के खिलाफ महाज खोल दिया, जिससे सल्तनत की बुनियादें कमजोर से कमजोर तर होती चली गई और फिर मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी मोहसिन कमाल के हैं। 1857 में ख़त्म होने वाली इस तवीलुल कामत हुकूमत के नक्श आज भी तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं और मुस्लिम अकवाम को चीख चीख कर ये पैगाम दिया जा रहा है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिको मगरब में तेरे दौर का आगाज। सीधी आपको सब कुछ छोड़ेगी मेरे पास आने पवन बैठ जाती है, ये बस कुछ होता है कोई समय से पहले बिल्ली पाली है वैसे। हाँ बिल्ली ये पालता रहा तो नहीं आप तो मेरी बेगम पसंद नहीं करती तोते पाले हुए वो पसंद करती हैं वो आपकी पसंद के हैं नहीं वो उनकी पसंद है।